ये पहाड़ों का बुलावा है, वरना यूं ही कोई आसमान में उड़ते बादलों के पीछे पहाड़ों को देख नहीं पाता। वेलकम बैक दोस्तों, लेह श्रीनगर सीरीज के ये पहली वीडियो काफ़ी इंतज़ार के बाद आखिर आ ही गई, तो बने रहे अंत तक। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज के द्वारा लद्दाख को हम आपके और करीब लेकर आने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है, तो पटाख से अभी कर दें। इस बात पर ध्यान देना दोस्तों, अगर लेह आप फ्लाई करके पहुंच रहे तो अगले एक दो दिन आपका यहाँ आराम करना बेहद ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी अच्छे से एक्लेमेटाइज हो सके। पहले दिन सूरज सर चढ़ते हम लेह पहुंच गए थे। पूरी हमारी 20 लोगों की टोली थी। होटल लद्दाख पैलेस में हमने चेक इन किया। शाम तक हम आराम कर शाम को यहाँ के एक वॉर मेमोरियल को भेंट देने वाले थे। अगर लद्दाख घुमक्कड़ी का आपका मन कर रहा है तो आपको बता दें कि हम इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आखिर इंतज़ार ख़त्म हो गया, हम लद्दाख पहुंच गए और हमने होटल में चेक इन भी कर लिया। इस वक्त मैं होटल के बालकनी में खड़ा हूँ, तो आइए आपको दिखाता हूँ यहाँ से दिखता क्या है। ये रहा, बिल्कुल सामने शांति स्तूपा दिख रहा है, यानी मैं यहाँ बालकनी में बैठे बैठे शांति स्तूपा के इन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकता हूँ। वैसे अभी दोपहर है, जब सूरज की पहली किरणें इस स्तूपा पे पड़ती है तब ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये नज़ारे भी हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। अब हम होटल के टेरेस पे आए हुए हैं। ये देखिए, टेरेस से भी शांति स्तूपा बिल्कुल साफ दिख रहा है। कुछ स्नोई पिक्स भी दिख रहे हैं। और ये रहा पूरा लेह मार्केट। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है लेह पैलेस। देखिए, टेरेस से भी बिल्कुल शानदार नज़ारे। और महालक्ष्मी जी, लेह में पहला दिन कैसा लग रहा है? इट वॉज सो ऑसम, द आर्किटेक्चर वॉज टू गुड एंड द क्लाइमेट वॉज रियली ऑसम। यू शुड सी एक्चुअली व्हेन स्लाइटली माउंटेन्स वॉज कवर्ड विथ द स्नो, लकीली वी हैव गॉट चांस बिकॉज लिटिल स्नो वॉज देयर बिकॉज इट वॉज रेनिंग यस्टरडे इट सीम्स, दैट्स व्हाई वी हैव लिटिल स्नो। So that was amazing. And this restaurant, this is the palace where we are staying actually, hotel. This hotel is also amazing. Awesome. कुछ आराम फरमाने के बाद शाम को हमने इस वॉर मेमोरियल का रुख किया, जिसे हॉल ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है। होटल से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर है। इसकी एंट्री टिकट विंडो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक खुली होती है। प्रति व्यक्ति 250 और फोटोग्राफी के लिए 20 रुपये टिकट का मूल्य है। इस टिकट के साथ आप यहाँ शाम ढलते ही शुरू होने वाला लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं।
ये वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध की वीरों की वीर गाथा को प्रदर्शित करता है। लद्दाख का पहला दिन देशभक्ति के जज्बे को दिल में समा के खत्म होता है। अगले वीडियो में आप लद्दाख को और अच्छे से जानोगे, बस थोड़ा सा इंतजार। हम जल्द ही लौटेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।